नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ऑल इंडोनेशिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल जिन दो कठपुतलों को यूपी एटीएस ने धर्म परिवर्तन कराने के मामले में गिरफ्तार किया था, उसको लेकर के अब आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। आपको याद होगा विकास दुबे का प्रकरण, विकास दुबे पार्ट टू, जहां पर गाड़ी पलटी थी और काम तमाम हो गया था। चलिए ये ले चलता हूँ खबर की तरफ। क्या यूपी एटीएस का वो कारनामा, क्योंकि कल जिस कठमुल्ले की गिरफ्तारी हुई है वह सबसे बड़ा उस पर एक खुलासा है कि वह पहले अपहरण करवाता था और उसके बाद धर्म परिवर्तन करवाता था, यानी कि पहले वो परिवार से उनको दूर करता था और अपने अपने पास रखता था, उनको परिवार वालों को पता भी नहीं चलता था कि आखिर वो कहाँ है। परिवार वाले गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते थे और पुलिस तलाश करती रहती थी और माइंड वॉश करके वो धर्म परिवर्तन करवाता था। आइए लिए चलता हूं खबर के पूरी खबर की तरफ, क्योंकि अभी ये योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ले ये योगी आदित्यनाथ के हत्थे आ चुके हैं और वो कठमुल्ला विकास दुबे की कहानी आपको याद होगी। हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में उस कठमुल्ले की ठुकाई। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ का वो बयान, उस बयान को पहले मैं दिखा देता हूं, उसके बाद लिया चलता हूं। देखिए आप ये बयान, छापो देश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जरूर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलने वाली है। योगी आदित्यनाथ ऐसे मामलों पर राम नाम सत्य है वाली कहानी हमेशा कहते हैं। तो चलिए ले चलता हूं आपको पूरी घटना की तरफ। और ये बात, जो अपहरण करके वो धर्म परिवर्तन कराता था, वो उसका खुलासा खुद आज उसके परिवार वालों ने किया है, जो काका देव कानपुर में रहते थे, जिनका मुख बधिर, जिनका एक बेटा था जिसको अपहरण करके धर्म परिवर्तन कराया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की आतंकवादी निरोधी शाखा एटीएस ने दो मुसलमानों को धर्म गुरुओं का साजिश के तहत हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप में गिरफ्तार किया है। इनमें से एक अपने आप को खुद हिंदू धर्म में पैदा हुआ था और 1984 में इस्लाम धर्म अपनाया था। अभी आपको खुलकर सामने आएगा कि ये पूरी की पूरी साजिश है, जो ये कठमुल्ले हिंदुस्तान में एक तरफ तो कहीं ना कहीं धर्म को बढ़ावा दे करके अपने कहीं ना कहीं अपने आबादी को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह से धर्म का को लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम काजमी को दिल्ली के जामिया नगर इलाके में हिरासत में लिया गया था और यूपी पुलिस ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों धर्म गुरु मूक बधिर छात्रों और कमजोर आय के वर्ग के लोगों को धन, नौकरी और शादी का लालच देकर मुसलमान बना रहे थे। यूपी पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि ये धर्म गुरु पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और विदेश से फंडिंग भी लेते थे। पुलिस का दावा है कि ये सब एक बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच एजेंसियों का कथित धर्मांतरण के मामले में के तहत किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भी इस मामले में संलिप्त हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर और NSA लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रॉपर्टी जब्त करने की भी कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश के ATS के प्रमुख JK गोस्वामी ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए धर्म गुरुओं ने कई हिंदू लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन करवाया है, उनकी शादियां भी करवाई हैं और हवाइयां तो हमारे होश तो तब उड़ जाते हैं जब ये खबर मिलती है कि ये जो लोग थे ये सिर्फ ऐसे नहीं करते थे, ये लोगों को अपहरण कर लेते थे, उसके बाद उनका माइंड वॉश करते थे और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। UPATS के प्रमुख ने कहा, हम उनके ठिकानों के मिले दस्तावेज की जांच कर रहे हैं और अब तक हमारे पास 100 से अधिक लड़कियों की जानकारी है जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। उमर गौतम को भी करीब 20 साल जानने में, मतलब उनको 20 साल से जानने वाले लोग ये कह रहे थे कि मैं इन्हें 20 साल से जानता हूं, धर्म बदलने वाले उनके पास आते हैं, मदद लेने के लिए आते हैं, वो कानूनी और दीनी मदद करते हैं, वो सालों से ऐसा काम कर रहे हैं, ये वहां के लोग कह रहे हैं। उमर गौतम चर्चित इस्लामिक प्रचारक और इंटरनेट पर उसके ऐसे वीडियो मौजूद हैं जिसमें उसने खुद माना है कि वो इस्लाम का प्रचार
का काम करता है और धर्म बदलकर इस्लाम अपनाने वालों को कानूनी मदद करता है। साल 2010 में उसने दिल्ली के जामिया नगर के इस्लामी दावा सेंटर के नाम से एक केंद्र भी शुरू किया था, जिसके जरिए वो धर्म बदलकर मुसलमान बनवाता था। तो क्या क्या है आरोप इसके ऊपर, ये थोड़ा समझिएगा। यूपी पुलिस ने उमर गौतम और जहांगीर कासमी को 20 जून को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। एटीएस ने आईपीसी की धारा 420, 120 बी, 153 ए, 153 बी, 295, 511 और उत्तर प्रदेश के विधि धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत लखनऊ के एटीएस थाने में मुकदमा दर्ज किया है। उसमें उमर गौतम और जहांगीर कासमी के अलावा अज्ञात लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है। एटीएस का आरोप है कि उमर गौतम गैर मुस्लिम मुकबधिर लोगों, महिलाओं और बच्चों का सामूहिक धर्म परिवर्तन यहां पर करवा रहा था। पुलिस का यह भी दावा है कि उमर गौतम ने बड़ी संख्या में गैर मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुसलमान से शादी करवाई है। और इसके अलावा जब एटीएस के आईजी जीके गोस्वामी ने पूछा गया कि क्या कोई पीड़ित महिला आपके सामने आई है, शिकायत लेकर आई, तो उनका कहना था अभी तक कोई पीड़ित महिला शिकायत लेकर सामने तो नहीं आई है, लेकिन हमने उनके केंद्र से रजिस्टर प्राप्त किए जिसमें ऐसी महिलाओं की जानकारी है। जब हम उनके परिवारों के संपर्क किया तो उनका कहना था तो उन्हें बेटियों के धर्म परिवर्तन के बारे में जानकारी नहीं थी। मुकबधिर बच्चों के धर्म परिवर्तन का आरोप यूपी पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने नोएडा स्थित नोएडा डेफ सोसाइटी में पढ़ने वाले प्रशिक्षण लेने वाले मुकबधिरों का भी धर्म परिवर्तन करवाया है। जब जीके गोस्वामी यानी वहां के पुलिस प्रमुख जीके गोस्वामी से पूछा गया कि अब तक कुल कितने मुकबधिरों का धर्म परिवर्तन कराया गया है, तो उस पर उनका कहना था कि अब तक हमें 2 मुकबधिरों के धर्म परिवर्तन की शिकायत मिली है, हम जांच कर रहे हैं कुल कितने बच्चों का धर्म परिवर्तन हुआ है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। वहीं नोएडा डेफ सोसाइटी के प्रोग्रामी अधिकारी मनीष शुक्ला ने कहा कि हमें मीडिया के जरिए 2 लोगों की गिरफ्तारी के बारे में पता चला है। उनका कहना है कि हमारी एनजीओ से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं था इन लोगों का, कुछ दिन पहले पुलिस पूछताछ करने आई थी और हमने हर जरूरी जानकारी वहां पर दे दी थी। तो क्या नोएडा डेफ सोसाइटी के जरिए मुकबधिरों के धर्म गुरुओं के संपर्क में आए हैं? इस सवाल के जवाब में जीके गोस्वामी का कहना है कोई ना कोई लिंक तो जरूर रहा होगा, हम इस सब की जांच कर रहे हैं। वहीं मनीष शुक्ला जो सोसाइटी के प्रमुख हैं कहते हैं कि जो गिरफ्तार किए गए अभियुक्त यदि मुकबधिर के संपर्क में आए होंगे तो संस्थान से बाहर आए होंगे। उन्होंने ये भी कहा हमारे यहाँ सैकड़ों बच्चे आते हैं जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, यहाँ से जाने के बाद किससे क्या मिलता हमें पता नहीं है। जीके गोस्वामी ने भी कहा कि पुलिस की जांच चल रही है और हो सकता है कि आगे शिकायतकर्ता जो हैं अब इन सब इतना होने के बाद सामने आए। पुलिस ने दावा यह भी किया है कि उमर गौतम जो इस्लामी दावा सेंटर के जरिए विदेश से धन प्राप्त करता था और लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाता था। कानपुर का धर्म परिवर्तन करने वाला एक मुकबधिर, कानपुर के स्थानीय लोगों के मुताबिक इस युवक के धर्म परिवर्तन के बाद एटीएस ने जांच शुरू की है, वह कानपुर के काकादेव इलाके में रहता था और परिवार के 11 मार्च ने उसके परिवार वाले ने उसको 11 मार्च की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। परिवार वाले बताते हैं कि धर्म बदलने वाला युवक मुकबधिर है और नोएडा के डेफ सोसाइटी में रहा था। परिजनों का आरोप है कि उसने चुपके से धर्म परिवर्तन कर लिया और समझाने पर वो नहीं समझा। धर्म परिवर्तन करने वाले युवक की मां ने बताया वो एक दिन रात में घर में नमाज पढ़ रहा था, मैंने देखा तो मैं बेसुध हो गई। हमने उससे धर्म ना बदलने की बहुत गुहार लगाई लेकिन वो हमेशा यही कहता रहा कि उसका धर्म ही सच्चा है। परिवार ने अभी इस युवक को किसी रिश्तेदार के यहाँ रखा हुआ। युवक के परिजनों ने बताया कि उसके सर्टिफिकेट पर अब अब्दुल्ला नाम लिखा हुआ है और उस नाम से उसे पुकारने के लिए वो कहता है। परिजनों का कहना है कि धर्म बदलवाने वाले लोग अभी भी युवक के संपर्क में हैं और उन्हें डर लग रहा है कि वो फिर घर ना छोड़ दे। धर्म बदलने वाला युवक परिवार से नाराज होकर चला गया था जिसके बाद 11 मार्च को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। अब ये साफ नहीं हो पाया है कि वो घर से छोड़ के गया था, क्योंकि अगर घर छोड़ के गया होता तो रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई जाती। वहीं कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र के ACP दिनेश शुक्ला ने कहा कि युवक की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था, वह बार बार नंबर बदल रहा था और ट्रेस नहीं हो पा रहा था। अब इस मामले की जांच जो है वो ATS कर रही है। परिवार का कहना है कि युवक वीडियो कॉल के जरिए बात करता था और मां के बीमार होने के बारे में पता चलने पर वह स्वयं वहां पर घर लौट आया। युवक की मां ने फेसबुक पर लिखा था कि वो बहुत बीमार है
और अब नहीं बचेगी। इसे पढ़कर बाद में वो एक मैसेज आया और वो लौट आया। युवक कब भी मुसलमान ही बना रहना चाहता है। उसे परिजनों का कहना है कि उसे किसी बड़ी साजिश के तहत फंसाया गया है। धर्म बदलना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अब संवैधानिक अधिकार की पीपड़ी बजाते हुए इसे सेकुलरिज्म का नाम दिया जा रहा है। भारत का संविधान किसी को भी अपनी मर्जी से धर्म अपनाने का, धर्म प्रचार करने की कानूनी इजाजत देता है, लेकिन जबरदस्ती या लालच में धर्म परिवर्तन कराना कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है और ये अपराध भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी साल फरवरी में धर्म परिवर्तन का आदेश पारित किया था, जिसके तहत जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना, धर्म परिवर्तन का लालच देना कानूनी अपराध है। इसके अध्यादेश के तहत धर्म परिवर्तन की मदद करना भी अपराध है। तो कौन है उमर गौतम जो ये सारा खेल खेल रहा था? मोहम्मद उमर गौतम एक चर्चित इस्लामिक प्रचारक है जिसने कई देशों में यात्राएं की हैं। वो दिल्ली के जोगाबाग एक्सटेंशन इलाके में इस्लामी दावा सेंटर के नाम से एक केंद्र वहां पर चलाता था। अपना परिचय बताते हुए गौतम ने एक इंटरनेट पर, उसकी वीडियो है जिसमें वो कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक ठाकुर परिवार में पैदा हुआ था और 20 साल की उम्र में मैंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। मेरे परिवार ने धर्म परिवर्तन का विरोध भी किया था। लेकिन इस वीडियो में मौलाना उमर गौतम कहता है, अपने एक मुसलमान पड़ोसी से मुझे पता चला कि इस्लाम में एक पड़ोसी के तौर पर मेरा क्या अधिकार है। इसमें भी मैं इस्लाम की तरफ प्रभावित हुआ, तब मुझे अल्लाह या रसूल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उमर गौतम कहता है, मैंने एक साल तक इस्लाम के बारे में पढ़ा और फिर 1984 मैंने इस्लाम अपना लिया। मैंने अपना नाम श्याम प्रसाद गौतम से मोहम्मद उमर गौतम रख लिया। मैंने सबसे पहले अपने हिंदू दोस्तों को ही बताया कि मैंने अब मुसलमान बन गया हूँ। गौतम कहता है कि धर्म बदलने के बाद मुझे धमकाया गया, हमले भी किए गए, लेकिन हम ईमान पर टिका रहा और मैंने इस्लाम के दबाव या बहकाव में आकर शादी या लालच नहीं बल्कि इस्लाम के प्रभावित आकर होकर अपनाया था। अब समझिएगा ये पूरा का पूरा खेल कैसे चल रहा है। ये खेल जो है ये खेल बहुत ही ज़्यादा बेबस है। यहाँ पर एक पूरा का पूरा मकर जाल है, जहां सबसे अच्छी बात है कि अगर किसी को धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बना दिया जाए, उसके बाद वो फिर धर्म परिवर्तन कराता रहे, तो एक बात साफ हो जाएगी कि लोग यही कहेंगे कि साहब ये तो धर्म परिवर्तन करने के बाद वो इतना इंप्रेस हो गया मुस्लिम समाज से, मुस्लिम धर्म से, कि और हिंदुओं को मुसलमान बनवाया जाने लगा। ये एक आतंकवादी घटना है। अगर हम माने, अगर आप भी इससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या ये है एक आतंकवादी घटना नहीं है, जहां देश में हिंदू और मुसलमान के लेकर के हमारे संविधान सेकुलरिज्म का और हम लोग सेकुलरिज्म का राग गाते हैं, अलापते हैं, लेकिन यहां देखिए साहब कैसे मूख बधिरों बच्चों को, महिलाओं को, उनको शादी की लालच देकर के उनको इस्लाम धर्म को कबूल करवाया जाता है और फंडिंग विदेश से होती है और हम कहते हैं हम सेकुलरिज्म हैं, हम सेकुलर हैं। इस वीडियो को यहां खत्म करूंगा, अनुरोध करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बने रहो इल्यूमिनेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।